हाँ जी भाई लोग, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, मारुति है अपनी गाड़ियों को, सभी गाड़ियों को अपडेट कर रही है। सबसे पहले ने सेलेरियो को अपडेट किया, उसके बाद बलिनो को अपडेट किया, और अब बारी है अर्टिगा, XL6 और ब्रेजा की। अभी जो हाल फिलहाल जो रेंडर चल रहे हैं, वो अर्टिगा और XL6 को बहुत ही जल्दी मारुति है जो अपडेट देने वाली है। इस अपडेट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लूँगा आपको फ्रंट से गाड़ी की जो लुक है, वो बलिनो की तरह आपको देखने को मिलने वाली है। जो बलिनो के अंदर आपको ग्रिल आती है, वही उस तरह का आपको मिलेगी। उसी तरीके का आपको जो प्रोजेक्टर बेस आपको हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। नीचे फॉग लैम्प की हाउसिंग की बात करूँ, वो भी आपको उसी डिज़ाइन के अंदर मिलेगी। वहीं पर आपको फॉग लैम्प की यूनिट है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट से गाड़ी की लुक पहले से मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी टोटल आपको 5 कलर ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी अवेलेबल होने वाली है। रियर टेल लैंप्स भी आपको LED मिल जाएंगे टॉप वेरिएंट के अंदर। और बाकी बात करूँ टॉप मॉडल के अंदर, आपको जो प्रोजेक्टर बेस ही आपको हेडलैम्प मिलेंगे, वो भी आपको LED यूनिट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंटीरियर में डैशबोर्ड, डिकट स्टेयरिंग वगैरह तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। बाकी इंजन ऑप्शन की बात करूँ, इसके अंदर आपको वही 1.5 लीटर का जो इंजन आएगा, जो 104 BHP की पावर, 138 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके दे देता है। बाकी ये उम्मीद की जा रही है, जो इसके अंदर आपको 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, अब शायद उसको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मारुति है जो अपडेट कर सकती है। शायद ये बड़ा चेंजेस होगा। बाकी इंटीरियर के अंदर, सीटों वगैरह के अंदर, तो लेदर अपोसिटी वगैरह सीटों के अंदर आप कम्फर्ट लेवल उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। तो हाल फिलहाल के लिए तो यही कुछ अपडेट था। वो गाड़ी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो देखने आपका धन्यवाद।